नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित, और मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और कुमार श्रीकांत जी मौजूद हैं। चर्चा होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान पर जिस तरीके से विपक्ष के सब साथी एक मंच पर आए, केजरीवाल का मुद्दा छाया रहा, इसके अलावा तमाम और मुद्दे रहे। कहीं किसी ने उमर खालिद का नाम लेकर इस मंच से मोदी सरकार पर हमला बोला, तो किसी ने अपने बैंक खातों को लेकर इस मंच से बेबसी जाहिर की। मतलब कुल कहने का यही है कि विपक्ष बस इस मंच से यही कहता रहा कि भाई हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। हर एक मुद्दे पर बात होगी, लेकिन फोकस अरविंद केजरीवाल पर है। इसके अलावा हेमंत सोरेन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि दो पत्नियां हेमंत सोरेन की और केजरीवाल की साथ आ रही हैं और कह रहे हैं कि ये लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। हालांकि ईडी इस मामले में जिस तरीके से केजरीवाल को और फिर हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस रही है, उसके बाद तो लग रहा है कि इनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी और कुमार श्रीकांत जी। सबसे पहले श्रीकांत जी, आपसे यही सवाल, सुनीता केजरीवाल मंच संभालती हैं, रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित करती हैं और ऐसा बताने की कोशिश करती हैं संदेश पढ़ते हुए कि जैसे बहुत बड़ी कोई कुर्बानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हो शराब घोटाले में। देखिए, दो चीजें क्लियर हैं। एक, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी को मौका मिलता है और वो मौका अगर परिवार के किसी सदस्य को मिलता है और गैर विधायक किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो सुनीता केजरीवाल है। आज सुनीता केजरीवाल ने न केवल लोगों को बताया है कि वो केजरीवाल की पत्नी है, बल्कि पार्टी के विधायकों को भी बताया है कि तुम लोगों से बड़ा जो फिगर है वो मेरा है और अगर मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी को कहा जाएगा तो वो मैं हूँ। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक और चीज उसी मंच पर बैठे हुए, समझिए, भगवंत मान को उन्होंने ये बताया है कि पार्टी के संचालन, पार्टी के क्रियाकलाप और पार्टी कैसे चलेगी ये अब मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे पति जो जयचंद थे, पिछली जो उनकी उम्र थी, यानी कि पिछली जो उनकी लाइफ थी, उनको शहादत मिल गई। जयचंदों को भी शहादत मिलती है रोहित, तो इस उम्र में वो अरविंद केजरीवाल बनकर आए, यानी कि इस जीवन में, यानी कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है जिसने बिट्ठूर में ट्रेन लूटी थी, ये स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है जिसने जालंधर में अंग्रेजों को मुखबरी की थी, ये स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिसने मद्रास में पूरे के पूरे भारत स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर एक अलग से अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया था, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये व्यक्ति कौन है, ये सिराजुद्दौला है, ये कौन है। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, समझिए, इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी अपने फिगर को बढ़ा रही है, अपने चेहरे को बड़े राजनीतिक तौर पर साबित कर रही है, अरविंद केजरीवाल को बार बार वो सीएम की उस कुर्सी पे बैठी हुई नजर आती है, पीछे वो दोनों फोटो लगे हुए हैं जिससे सुनीता केजरीवाल बोल रही है। मैं कुमार, लेकिन बड़ा श्रीकांत जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास कोई पद नहीं है, आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बैठ रही, मजाक नहीं बना रखा है क्या जनता का? मैं ये सोच रहा हूँ पिछले 10 सालों से मजाक नहीं तो क्या चल रहा है, और ये सब बोलने की ताकत कैसे आ जाती है? इतने बड़े थिएटर है, इतने बड़े वाले थिएटर है कि ये सब शर्माते भी नहीं, इनको लज्जा भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती है। और आप ये सोचिए कि आपके पति जेल गए हैं और आप लगातार उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, लगातार उनको सही साबित करने की कोशिश में कर रहे हैं। दूसरा, अब एक और बंडाफोड़ करता हूं, जो खबर निकल कर आई है वो खबर क्या है, आप समझिए, पंकज जी इस बात को जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल आखिर अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? वो फोन जो स्विच ऑफ है वो स्विच ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी, क्या नाम उसका, मार्लिना का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्क्स का MAR मार्क्स और लेनिन का लीना, आप समझ रहे हैं? तो ये जो मार्क्स और लेनिन की औलाद है और इसके माता पिता दोनों कम्युनिस्ट थे, तो मार्क्स और लेनिन के नाम पर इसका टाइटल रखा है मार्लिना। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स का मार्क्स और लेनिन का लीना। तो ये मोहतरमा टीवी पे आकर बार बार बोलती हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी फोन में है,
हम मोदी को कैसे हराएंगे ये स्ट्रेटेजी उस फोन में है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे ये स्ट्रेटेजी उस फोन में है। इसीलिए कुमार जी, अगर वो स्ट्रेटेजी, अगर केवल स्ट्रेटेजी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंदर की बातें हैं शायद, मुझे लग रहा है कि इस वजह से डर है उनको। करोड़ों रुपए करेंगे ना, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे रोहित, करोड़ों रुपए के बिटकॉइंस का कलेक्शन, उसका सारा रिफॉर्म उस फोन में है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो बिटकॉइंस उन्होंने खरीदे थे और जो चुनावों में इस्तेमाल किए थे और एक साल पहले उस सारे पैसे को बिटकॉइन के तौर पर जो उन्होंने कन्वर्ट किए थे, करोड़ों अरबों रुपए के बिटकॉइन जो पैसा है वो उसका सारा डेटा जो है उस फोन में है। और पिछले 8 महीनों से उस फोन से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, उस बिटकॉइंस के कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर ईडी को किसी भी ट्रांजेक्शन की भनक पड़ती है, स्मेल तक आती है, तो हमें ईडी एक साल पहले गिरफ्तार कर लेती। बिल्कुल, ईडी को भी पता है कि उस फोन में बिटकॉइंस हैं, यानी कि जो अवैध पैसा है, जो उगाही का पैसा है, जो अवैध धंधे से आया है, और जो 2 नंबर का पैसा यानी कि ब्लैक मनी, उसकी सारा का सारा डेटा उस फोन में है। इसलिए अरविंद केजरीवाल दे नहीं रहे, और विपक्षी भी ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भले जेल चले, मतलब उनके पार्टी के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भले जेल चला जाए, लेकिन उनका फोन जो है वो रिकवर हो जाए, वापस मिल जाए, ताकि उस बिटकॉइंस के सारे डेटा उनके पास आ जाए और पार्टी के पास फंड की कमी ना हो। आतिशी इसीलिए फोन को लेकर बार बार बोल रही है, 3 PC में लगातार फोन को लेकर बोलना आतिशी की कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है, कितनी मजबूरी है और कितनी जरूरत है। ठीक है श्रीकांत जी, एक सवाल और, कल रिमांड खत्म हो रही है, 1 अप्रैल है, बढ़ जाएगी या छूट जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए ये PMLA को, ये जो उन पे धाराएं लगी है, इन धाराओं में शरीर नश्वर हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है, पर व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये शरीर नश्वर है, ठीक है, CBI इंतजार में बैठी है, NIA ड्राफ्टिंग कर रही है, किस ड्राफ्ट में उनको उठाएगी, कहाँ कहाँ केस बनेगा। अरविंद केजरीवाल भूल जाइए, उनका चेहरा आप जब ही देख पाएंगे जब वो कोर्ट आ रहे हैं या कोर्ट से जेल जा रहे हैं। ठीक है पंकज जी, मंच पर एक बहुत मंच के बाद की एक तस्वीर आई, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे। जी देखिए बिल्कुल सही कहा, ये जो तस्वीर आई थी वो इस रैली के पहले की तस्वीर थी, जब कल्पना सोरेन मिलने पहुंची थी सुनीता केजरीवाल से, तब की थी। ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि साथ मिलकर लड़ाई लड़े, कौन सी लड़ाई? पति भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है वो लड़ाई लड़नी है, या फिर पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है कि पति के जगह पे हमें बैठना है? क्योंकि देखिए दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, दोनों का पति जेल में, दोनों के पति पे भ्रष्टाचार के आरोप, दोनों CM बनने के नंबर में लाइन में, अब पहले कौन बनेगा बाद में कौन बनेगा इस बात को लेकर भी चर्चा हुई होगी, या फिर जब गले मिली होंगी तो पीछे से बैकग्राउंड में ये बज रहा होगा कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन की जो महारैली हुई ये सुनीता केजरीवाल को एस्टेब्लिश करने की रैली थी। अब तक पावर ट्रसल चल रहा था कि आतिशी मार लेना, कि भगवंत मान, कि सुनीता केजरीवाल, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल को कुर्सी दी गई, जिस तरह से सोनिया गांधी उनके कान में फुसफुसा रही हैं और बाकी सारे नेता पीछे बैठे हुए सेकंड रो में आम आदमी पार्टी के, इस बात ने एस्टेब्लिश कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के बाद ये पार्टी चलाने वाला अगर कोई है तो वो सुनीता केजरीवाल है। इसी बात की तो लड़ाई थी और इसी बात को कांग्रेस ने की मदद से सुनीता केजरीवाल ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल ही। झारखंड में ये क्यों नहीं हो पाया? दूसरी महत्वपूर्ण बात, झारखंड में भी होगा, देखिए मैं बताता हूँ, झारखंड में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। झारखंड में भी जैसे ही हेमंत सोरेन गए ना जेल, उससे पहले एक बैठक हुई थी, उसमें ये बात उठी थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पहली बात ये कि कल्पना सोरेन विधायक नहीं थी कहीं की, और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 1 साल से कम समय बचा हुआ, तो किसी ने उन्हें बताया कि जब 1 साल से कम समय बचा रहता है विधानसभा चुनाव में तो सीट खाली करके
उपचुनाव नहीं करना चाहते वो साफ साफ हो जाता है सारे सीटों के साथ, तो ऐसे में आप नहीं बन सकेगा। दूसरी बात, कल्पना सोरेन 4 महीने के लिए सीएम बन के भी क्या कर लूंगी, अगर बनना है तो मैं 5 साल के लिए क्यों ना बनू। ठीक, तो इसलिए फिलहाल तब तक के लिए चंपई सोरेन को बिठा दिया गया है। ये गांडे सीट खाली कराई गई थी इनके लिए, ये हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले ये सारी स्ट्रेटजी सेट थी। सरफराज अहमद को राज्यसभा ऑफर की गई, उसके बाद एक सीट खाली कराई गई, लेकिन फिर यही बात आई ना कि ये 2-4 महीने के लिए क्या बनना, बनेंगे तो 5 साल के लिए बनेंगे निष्कंटक। और यही सुनीता केजरीवाल का भी है, अभी जो लड़ाई चल रही है ना, ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे उसके बाद एक कोई उपचुनाव हो जाएगा सुनीता केजरीवाल बैठेंगे, नहीं, स्ट्रेटजी ये है पति पत्नी की कि अभी जितना टाल सकते हैं केजरीवाल टालेंगे, ये कहेंगे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से चलाएंगे, कानूनी पचड़े में फंसेगा, इसमें भी 2-4 महीने निकल जाएंगे, और फिर तो विधानसभा चुनाव होने ही है ना दिल्ली के, बिल्कुल विधानसभा चुनाव तक इसे होल्ड करके रखना है, उसके बाद चुनाव होगा, सुनीता केजरीवाल कहीं से चुनाव लड़ेंगी, वो बताएंगे कि मेरे पति के साथ देखो कितना बड़ा अन्याय हो गया, और तब इन्हें एस्टेब्लिश किया जाएगा, और उसी की सारी तैयारियां चल रही। ठीक है कुमार श्रीकांत जी, ये तस्वीर देखने के बाद आपको भी ये महसूस होता है कि डर है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे केजरीवाल हो, कि कहीं भाई अगर दूसरे के हाथ में कमान चली गई पार्टी की तो फिर मुश्किल हो जाएगा हासिल कर पाना। फुली फर्निश, इस तस्वीर को हटाइएगा मत। हाँ हाँ, इसीलिए फुली फर्निश ये रूम है, आप सोचिए, और चारों तरफ लकड़ी का वुडन का काम हुआ है, और ये वुडन ऐसा वैसा वुडन नहीं है, सांगवान लगा हुआ है। इन सोफों को देखिए, जो पीछे तो सोफे पड़े हैं, ये कितने लाखों रुपए के सोफे होंगे। वो जो टेबल है, उस टेबल को देखिए, वो टेबल कैसा है। ये मोह शीश महल का भी तो है, मात्र अरविंद केजरीवाल और सीएम के कुर्सी का नहीं है, ये मोह शीश महल का भी है। और महिलाओं को एसेट से कितना प्रेम होता है रोहित, ये बात जग जाहिर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई कोई रेसिस्ट हो रहा हूँ या मैं कोई ऐसी कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, महिलाएं थोड़ा ऐश्वर्य प्रिय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कुमार जी, एक तस्वीर भी है, अंबेडकर साहब भी हैं, अब वो नहीं है, बोल रहा था सुचिता, अंबेडकर से सुचिता सीखेंगे, अंबेडकर से क्या ईमानदारी सीखेंगे, अंबेडकर से क्या, देखिए अंबेडकर कैसे भी हो मैं उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन अंबेडकर जो है उस व्यक्ति ने जो भी राजनीति की, सुचिता और ईमानदारी की राजनीति की, भले जवाहरलाल नेहरू ने उनको 2 बार हरवाया, अपने प्रेस और चाय पिलाने वाले व्यक्ति को वहां उन्होंने खड़ा किया, प्रेस यानी कपड़े प्रेस करने वाले व्यक्ति को अंबेडकर खिलाफ खड़ा किया, और उनके पूरे चुनाव प्रचार को लीड किया जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस की पूरी कमेटी ने अंबेडकर को हराया, लेकिन फिर भी अंबेडकर ने, आप सोचिए, अपने लीक से अलग होकर राजनीति नहीं की। कल्पना सोरेन देखिए, क्योंकि वो अपने पति की कुर्सी उनको इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वो आदिवासी तो है, लेकिन वो उड़ीसा की आदिवासी है, समझिए, ठीक, वो झारखंड की आदिवासी नहीं है, वो उड़ीसा की आदिवासी है, और कुर्सी पे कौन बैठेगा झारखंड में जो झारखंड का निवासी हो। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये समझिए, इनके खिलाफ भी जांच शुरू होने जा रही है, जहां तक जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें आ रही है। दूसरा ये है कि ये कूलिंग पीरियड सर्व किया जा रहा है ना इस वक्त, सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी तो ये कहा जाएगा कि ये जेल जाते वक्त अपने परिवार नहीं अपनी पत्नी को इन्होंने बैठा दिया, लेकिन जब ये कूल हो, जब थोड़ा कूलिंग पीरियड सर्व हो जाएगा, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर अगर ये सीएम की कुर्सी पर आती है, पूरी पार्टी पर इनका इनका वर्चस्व बढ़ता है। और दूसरा ये है, देखिए आखिर सीता सोरेन को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, सवाल तो ये है, क्यों उनको बीजेपी जाने, बीजेपी का दामन थापना पड़ा, और बीजेपी को अपने सिटिंग सांसद को काटकर, जिसका नाम पहले से अनाउंस है, उसको काटकर सीता सोरेन को क्यों टिकट देना पड़ा? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि परिवार में रार है, परिवार में कलह है, परिवार में दिक्कत है, इसीलिए वो पार्टी लगातार वो, और सोचिए वो भी सीता सोरेन कहां से है, जो जेएमएम के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है, जहां के लिए कहा जाता है कि जेएमएम को कोई हरा नहीं सकता, शिबू सोरेन ने सीधे तौर पर वॉकओवर दे दिया है उस सीट पर सीता को, तो वहां पे भी परिवार की समस्या है, यहाँ पार्टी की समस्या है, यहाँ सिर्फ अटौबल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा सबसे खास बात है रोहित,
अरविंद केजरीवाल को जितना मैं समझता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत हद तक अपने से ज्यादा समझदार को सीएम नहीं बनने देंगे, आप समझिए क्यों, इनसे ज्यादा बहुत समझदार अगर सीएम बनेगा तो पूरी पार्टी क्या सब कुछ पर उसका आधिपत्य हो जाएगा, और निहायत ही मूर्ख को सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि निहायत ही मूर्ख अगर उनका सीएम बन जाएगा तो सीबीआई जांच में आएगी तो सारे के सारे फाइल्स वो सीबीआई को दे देगा, एनआईए को दे देगा, ईडी को दे देगा, तो अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल लालू और राबड़ी वाला ही खेल दिखेगा यहाँ पर भी क्या? हाँ, अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी को देंगे, ऐसे अधपक्के आदमी को देंगे जो उनके हाथ का पपेट हो, जो उनके ही हिसाब से चले, भले वो जेल में रहे भरत की तरह राम बनाकर उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर सरकार चलाए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल अब शहीद का दर्जा चाहते कि उनको शहीद करार दिया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पंकज प्रसून जी, दिल्ली की मैं जब आप तस्वीर दिखा रहे थे तो मैं अंबेडकर जी को देख रहा था, वो भी भौचक होकर देख रहे कि काश इतना आलिशान बंगला मुझे भी कभी मिल गया होता, मेरे नसीब में भी होता। लाइटर नोट, मैं ये बता रहा हूं, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए सुनीता केजरीवाल है क्या चीज, या कल्पना सोरेन क्या है? ये सुनीता केजरीवाल वही शख्स है जिसने इस शीश महल को बनाने के लिए एक एक चीज सिलेक्ट किया है। जो आया था उस वक्त जो प्रकरण, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था उसने बकायदा बताया है कि मैं सिलेक्ट करती थी, उनके दुकान पे भी गई थी, उन्हें एक मूर्ति गिफ्ट की गई, एक एक पर्दे जो 12 लाख वाले पर्दे दिखते हैं ना, वो सुनीता केजरीवाल ने सिलेक्ट किए थे। तो इतना मेहनत से जिस महिला ने बंगला बनाया है, और क्या चाहते हैं कि वो उसका पति किसी दूसरे को सीएम पद सौंप दे कि इन्हें बंगला खाली? तो पति पत्नी ने आपस में बैठ के फैसला किया कि बंगला तो हमारे पास रहना चाहिए और पार्टी भी हमारे पास रहनी चाहिए, ये दोनों कैसे होगा? तो बंगला तभी रहेगा जब तुम सीएम रहोगी, और पार्टी तभी रहेगी जब तुम्हें ही संयोजक बनाया जाएगा, अगर भगवान न करे मुझे हटना पड़े। ये कब होगा? अगर मैं अभी तुरंत कर दूं तो ये सब विद्रोह करने लगेंगे। तो तुम्हें धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना है, पहले तुम मेरा कुछ वीडियो संदेश प्रसारित करो, फिर आत्मा वात्मा की बात करो कि शरीर नश्वर है, वो जेल में है पर आत्मा आपके बीच है, फिर ये बात करो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि मर गए और रीबॉर्न हुए तो केजरीवाल आए और मैं उनकी अर्धांगनी बनी रानी दुर्गावती, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके एस्टेब्लिश होगा, तब तक आ जाएगा चुनाव का समय, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद है, तब तक ये एस्टेब्लिश हो चुका होगा कि नहीं भाई आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल भी, तो फिर चुनाव होगा, चुनाव के बाद फिर उतनी ज्यादा झंझट नहीं होगी जितना अभी होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक खबर लीक की गई है आम आदमी पार्टी के इस सर्कल से, वो खबर यह है कि जो घोटाले का पैसा है ना वो गोवा गया, उस वक्त इलेक्शन इंचार्ज गोवा की आतिशी मार लेना आतिशी थी। हाँ, अब ये बताइए ये खबर क्यों लीक की गई और किसने लीक की होगी, मकसद क्या होगा? यूं ही कुछ नहीं होता राजनीति में पंकज जी। अरविंद केजरीवाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जिसका नाम घोटाले में हो और जिसका अगला नंबर उसका हो। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था, लपेट लिया ना आतिशी को, बहुत ज्यादा चिट्ठियां दिखा रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुझे ही लिखते हैं प्रिंट करके, अब मुझे ही मिलता है वो। दो चिट्ठी के बाद तीसरी चिट्ठी नहीं आई। लेकिन पंकज जी आप तो कह रहे थे कि वो जब नोट दिया ही नहीं गया तो चिट्ठी कैसे लिख दी, खून से लिख दी क्या? नहीं तो उसी में देखिए पहले चिट्ठी जारी, उस वक्त का सीक्वेंस देखिए, जैसे ही सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या वीडियो संदेश दे, तुरंत एक चिट्ठी लेके ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि भाई पति होगा तुम्हारा लेकिन चिट्ठी तो मुझे देता है, मैंने जारी किया, देखो ये केजरीवाल का आदेश है। एक चिट्ठी हुई, दूसरी चिट्ठी हुई, तब तक खबर छपने की भाई उसको तो स्टेशनरी तक नहीं दिया गया, उसको तो हर कुछ परमिशन से मिलता है, ये टाइप करके चिट्ठियां कौन भेज रहा है? उसके बाद बोली सॉरी कच्ची लगता है, गलती मिस्टेक हो गया, उसके बाद चिट्ठियां नहीं बंद। उसके बाद आतिशी मार्लिना को ये गोवा वाले प्रकरण में लपेटा गया कि भाई इलेक्शन इंचार्ज यही थी, और जो उम्मीदवार कह रहे हैं ना कि हमें पैसे मिले तो पैसे देने वाला तो प्रभारी देगा ना। उसके बाद से आतिशी शांत और सीधे फ्रंट सीट से चली गई तीसरी नंबर पे, आज देखा होगा स्टेज पे। बिल्कुल। अब और दूसरा मैं बताता हूँ। हाँ पंकज जी बात पूरी। अच्छा ठीक, और भी इस तरह कंपटीशन था, दूसरे कंपटीशन में थोड़ा सा भगवंत मान उछल रहे थे, कभी राघव चड्ढा की भी उम्मीदें हिलोरे मार रही थी, राघव चड्ढा ये सौरभ भारद्वाज बाहर घूम रहे अपना, नहीं तो यही मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ,
ईडी कहाँ कहाँ रहा अब मैं बता, राजा परदेसी, दुष्मत बिल्कुल बिल्कुल। देशमुख। और आप टाइमिंग देखिए, जैसे ही केजरीवाल की अरेस्टिंग होती है चड्ढा चले जाते हैं विदेश, कहा जाता है कि यहाँ का ऑपरेशन कराने गए हैं, लेकिन खबर कुछ और है। बहुत तरह की तस्वीरें आई, प्रीत गिल के साथ तस्वीरें आ गई, पत्नी के साथ बहुत सारी तस्वीरें आई, हनीमून बना रहे हैं, स्टेशन पे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं, पत्नी के लौटने की भी तस्वीरें आ गई, लेकिन मैं तलाश करता रह गया कि आंखों के ऑपरेशन वाली एक तस्वीर आ जाती, मेरे भी आंखों को संतुष्टि मिल जाती, वो तस्वीर नहीं आई। नहीं पंकज जी, एक और नेता है, उनके राज्यसभा भेजा गया, समझ रहे हैं खेला, स्वाति मालीवाल। हाँ हालांकि वो कह रहे हैं कि बहन, स्वाति मालीवाल, हालांकि वो कह रही हैं, ट्वीट किया था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि ट्वीट, अभी उन्होंने ट्वीट किया कि बताया कि बहन की तबीयत बहुत खराब है, बाकी 6 साल के लिए मैं नाक में दम करने के लिए आ रही हूँ बहुत जल्दी वापस। अच्छा एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, शायद श्रीकांत जी बता सकते मेरी बुद्धि में, कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री गए, बड़े बड़े नेता जेल गए, येदुरप्पा भी गए, हेमंत सोरेन भी गए, और भी बड़े बड़े नेता गए, ये अमेरिका या इंग्लैंड का मीडिया या फिर यूएनओ वगैरह ये केजरीवाल को लेकर क्यों ज्यादा परेशान है? श्रीकांत जी बताइए, किसी इतने बड़े बड़े, इनसे भी बड़े बड़े नेता गए और ये एडिटोरियल लिखा जा रहा है, स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ राज है क्या? और फिर मैं देख रहा हूँ कि अचानक स्वाति मालीवाल विदेश, राघव चड्ढा विदेश, कनेक्शन क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और हरभजन सिंह तो ये नेता कितना बड़ा है। ठीक है, आते हैं पंकज जी। श्रीकांत जी, ये विदेशी मीडिया क्यों इतना प्यार दिखा रहा है केजरीवाल के? विदेशी परेशान है श्रीकांत जी के लिए, मैं आसान करता हूँ काम। एक रॉ के एक ऑफिसर है आर्यन सिंह, और उन्होंने किताब भी बकायदा लिखी है, उनका ब्लॉग लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है इस पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, कहीं वो राज तो नहीं है? कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलबिला रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ऊपरी ऊपरी वेट बोल रहे हैं, लोकतंत्र में खतरा को खतरा आ गया, भारत में डेमोक्रेसी होगी, लेकिन स्पेसिफिक कारण नहीं बता सक रहे हैं कि केजरीवाल के अरेस्टिंग के बाद से वो क्यों परेशान है, क्योंकि नेता तो कई अरेस्ट हुए हैं, कई जेल गए हैं। ठीक है श्रीकांत जी, आरएसएन सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत सीनियर है आरएसएन सर, और बहुत अलग अलग मंचों पर उनसे मुलाकात होती रहती है, उनका इंटरव्यू भी बहुत बार किया है मैंने। पंकज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए आप, वो एक व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर बैठा है और वो डील कर रहा है बीजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं से, कह रहा है राघव चड्ढा सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा, सही बात का है, सब आपको बता दूंगा, शरणम गच्छामी, और उन्होंने अपनी अपनी बीवी को भेज दिया है, बीवी है जो जो प्रेग्नेंट बीवी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो खबरें आ रही हैं वो भी हैं, प्रेग्नेंट भी है, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आप उनके ड्रेसिंग सेंस से समझ सकते हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनने। बहरहाल आप ये समझिए, वो एक नेता है, लखनऊ से सांसद है, बीजेपी के बड़े नेता है, आजकल हमें पता है ये, हाँ मध्यस्थता का काम कर रही, वो पता है। खैर, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने पहले उनका घर हुआ करता था, आजकल अशोक रोड के पास में है, तो उनसे बड़ी अब तो सब समझिए, इससे ज्यादा हिंट नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, आप सोचिए उनके उनके साथ लगातार वो बातचीत कर रही है, लगातार चीजें सेट करने के चक्कर में है, अमित शाह मिलने का समय नहीं दे रहे। अब ये भी महत्वपूर्ण है, अमित शाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई मैं ऐसी किसी चीज से मिलने के लिए या ऐसे किसी लफड़े को, प्रॉब्लम को अभी हम लोग डील नहीं करना चाहते हैं, चुनाव के बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, चुनाव से पहले व्यक्ति नहीं आएगा, या जब तक उसको दिल्ली से आश्वासन नहीं दिया जाता कि आपको नहीं पकड़ा जाएगा। 300 करोड़ से ज्यादा, समझिए दिल्ली का जल घोटाला जो है, जल सप्लाई वाला जो है ना, बिल्कुल, वाटर सप्लाई घोटाला में मुख्य कौन है? मुख्य यही व्यक्ति है जो अभी इंग्लैंड से तस से मस नहीं हो रहा है, बताइए क्या संभव है? और दूसरी चीज, ये व्यक्ति एक और क्या काम कर रहा है, वो जो बिटकॉइंस है ना, ये जाने से पहले बोल के गया था कि वो जो बिटकॉइंस आप लोगों के है ना, मैं उसको सेटल करवाता हूँ, उसको उस फंड को कैसे ना कैसे रिजर्व करवाता हूँ। स्वाति मालीवाल को भी इसलिए भेजा गया है, स्वाति मालीवाल ऐसा नहीं है वहां खो खो खेलने गई है, और स्वाति मालीवाल के बस में कुछ है भी नहीं, वो तो स्क्रिप्ट भी बेहतर नहीं पढ़ पाती है स्वाति मालीवाल, उसकी तो बात छोड़िए, आम आदमी पार्टी में सबसे फिसड्डी आदमी कोई है तो वो स्वाति मालीवाल है, और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की साली है, अब साली है कि क्या है ये मुझे नहीं पता है। बहरहाल, तो स्वाति मालीवाल अमेरिका जाकर क्यों बैठी है, न्यूयॉर्क में वो क्या कर रही है, और न्यूयॉर्क में समझिए अरविंद केजरीवाल का फंड रेजर कौन था,
अरविंद केजरीवाल जब न्यूयॉर्क गए थे तो $70 और $70,000 की एक प्लेट को खिलाने वाले कौन व्यक्ति था, जहां जहां गुरुद्वारों में जाकर फंड रेज का कैंपेन स्टार्ट करवाया केजरीवाल ने। आप ये सोचिए, ये व्यक्ति वही है पन्नू। तो पन्नू का न्यूयॉर्क में आपके शूरवीर जो है, अज्ञात शूरवीर कितने भी बड़े हो जाए, पन्नू पर हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पन्नू सीधे CIA के अंडर आता है। और पन्नू फ्रंट, CIA से जुड़ा। हाँ, और सोचिए, पन्नू जो है फ्रंट फ्रंट फेज है, भारत विरोधी तमाम जो जो चीजें हैं उनका फ्रंट फेज है। तो वो व्यक्ति उस पे आपके जो जो बाहर वाले जो वीर हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अज्ञात वीर। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए, अरविंद केजरीवाल आज का घाक नहीं है, अरविंद केजरीवाल पुराना घाक है। ये 2005 का व्यक्ति है, जहां फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सीधे तौर पर देखिए, पहले एमनेस्टी, सबसे पहले एमनेस्टी इंडिया अरविंद केजरीवाल के सर्व परिवर्तन वाले एनजीओ को पैसा देती है, फिर ठीक। कबीर जो फाउंडेशन एनजीओ है, यानी कि जो इन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर चलाया था, उसको फोर्ड फाउंडेशन देता है, फिर एमनेस्टी इंडिया फोर्ड फाउंडेशन दोनों मिलकर देती हैं, फिर वो मैक्सेस से अवार्ड वाला इनको पैसा मिलता है, वो CIA के द्वारा फंडिंग है। और कैसे अरविंद केजरीवाल को ही एक एक बौने आदमी को खड़ा किया जाता है, एक बौने आदमी को खड़ा किया जाता है, और वो बौना आदमी किस तरीके से इस पूरे देश की राजनीति में अपना वर्चस्व जमाता है, बढ़ाता है। अब ये सोचिए, अरविंद के में बिन्नी एक व्यक्ति थे लक्ष्मी नगर के, आपको याद है ना रोहित? हाँ बिल्कुल हाँ, तो बिन्नी बिल्कुल। एक एक एक, एक कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल नई शर्ट पहन के आते हैं, नई शर्ट बिल्कुल। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, बिन्नी कहते हैं कि अरे आपकी शर्ट तो नई है, तो तुरंत जो अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर जाता है और पुरानी शर्ट और विद पेन पहन के आ जाता है, पेन रिनॉल्ड वाला 5 रुपए वाला पेन, और शर्ट के जो बटन है वो ऊपर नीचे लगाए रहते रख कर आता है ये व्यक्ति। जानबूझ के, लेकिन 1.5 लाख का फोन चला रहा है, लेकिन पैर में चप्पल पहन रहा है, लेकिन लेकिन 1.5 लाख उसमें का रिचार्ज फोन। नहीं होता है। ये वही सादगी है जो ममता बनर्जी अपनाती है, मान चार साहब सौ रुपए कहते की साड़ी और मान साहब 70 रुपए कहते की हैं चप्पल पर 1.5 लाख का फोन। श्रीकांत जी, 1.5 लाख का फोन है, लेकिन मान साहब कहते हैं कि उसमें रिचार्ज नहीं होता, कॉल बैक नहीं कर पाते हैं। तो यार ले क्यों रखा है, मुझे ऐसा गरीब को दान दे दो, मैं तो रिचार्ज करा लूंगा, कॉल बैक भी करूंगा, नहीं, वो इंटरव्यू किसका भी याद आएगा होगा, और भगवंत ब्रेक भी मान कह रहे थे आएगा। मैंने फोन किया, फोन नहीं उठ पाया, फिर उसके बाद उनका फोन नहीं आया, फिर मैंने किया तो उन्होंने कहा एक रिचार्ज एक नहीं और किया। कहानी मैं बताता हूँ हाँ रोहित, ठीक है एक और इंटरेस्टिंग है ये। नाम नहीं लूंगा, भारत के एक बहुत बड़े रणनीतिकार, रक्षा विशेषज्ञ, मतलब जो भी है कि अभी सब कुछ ऑल इन ऑल है, वो जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में कहा जाता है कि ये जो पन्नू है ना, इस पे आपने हमला किया, ठीक नहीं किया। तो इधर से जवाब आता है कि अगर वो CIA का आदमी नहीं होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, वो तो आपका आदमी है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। उसी पन्नू ने एक वीडियो जिसमें कहा कि 130 करोड़ रुपए उसने आम आदमी पार्टी को दिए थे। न्यूयॉर्क में पन्नू है, न्यूयॉर्क में स्वाति जय हिंद है, स्वाति मालीवाल उसको बोलते हैं, अब एक ही शहर में दोनों है। वीडियो संदेश आने के बावजूद, अजीत डोवाल और अमेरिका के बीच इस बातचीत के बावजूद, उसके अलावा इंग्लैंड वो शहर है जहां पे राघव चड्ढा मौजूद है। और फिर देखिए ये सारी खबरें कहां से निकल कर आ रही है, इंटरनेशनल जो परेशान है, परेशान आत्माएं हैं, वो कौन कौन से देश के हैं? यही अमेरिका और इंग्लैंड के हैं ना, ब्रिटेन के। रिलेशन समझ में आया? बिल्कुल, बाकी कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जन आंदोलन से उपजी पार्टी नहीं है, ये क्रिएट की गई है पार्टी, फंड दे के जन आंदोलन खड़ा किया गया है, और सारा प्लेटफॉर्म पहले से सेट था। ठीक है, और देश की राजधानी में सत्ता इसने हासिल की है, बिल्कुल सत्ता हासिल की, लेकिन और इसका अगला प्रयास वो है कि उस राज्य में करे सत्ता हासिल जहां सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है और जहां सभी मौजूदा प्रधानमंत्री आ रहा है। अब मैं स्ट्रेटजिकली बिल्कुल वो पंजाब टारगेट करेंगे, वो गुजरात टारगेट करेंगे, वो कोई झारखंड उरखंड बिहार वहार में चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो यूपी नहीं याद आएगा, रखेंगे इस बात, वो यूपी नहीं नहीं आएगा, यूपी यूपी आया था कब समी आएगा चिटो का जमाना जब्त हो गई थी। इनके नहीं,
नहीं नहीं आएंगे वो तब जब इनके मालिकों को लगेगा कि वहां से इनका मकसद सत्ता है। अभी तो इनके मालिक के टारगेट पे पंजाब और गुजरात है।